जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको शामिल करता हूँ। और जैसा कि जानते हैं कि आज हम पैटर्न एमएलएसएस एमसीक्यूज की जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हम कवर कर रहे थे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ एमएलएसएस फॉर एवरी मेंबर, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सखर आईपीएल या कोई भी इदारा हो, जो चाहे स्क्रीनिंग के लिए लेता है, वन पेपर के लिए लेता है। तो वही चीज माइंड को लेकर हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके हमने दो लेक्चर ऑलरेडी कर लिए। अगर आपने नहीं देखी तो आप पैटर्न एमएलएसएस एमसीक्यूज की जो लेक्चर सीरीज है वो जाके यूट्यूब पर सर्च करें, आपको मिल जाएगी। आज उसका थर्ड लेक्चर है। चलिए विदाउट वेस्टिंग फादर टाइम हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं मर्करी की। मर्करी थर्मोमीटर, जैसा कि जानते हैं डॉक्टर मर्करी का थर्मोमीटर यूज करते हैं। मर्करी इसलिए यूज होती है क्योंकि अगर नेगेटिव टेम्परेचर में भी वो फ्रीज नहीं होती, और अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर आ जाए तो उसमें वो एवोपरेट भी नहीं कर जाती, तो वो मर्करी इसको इस वजह से यूज की जाती है। अगर हम बात करें कि मर्करी थर्मोमीटर को किसने इन्वेंट किया था, तो उसका नाम है फैरनहाइट। और यहाँ पे आपके लिए एक असाइनमेंट है। वैसे तो अगर हम बात करें सेंटीग्रेड में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का इंसान का था वो था 37। आपने मुझे ये बताना है कि फ़ारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 98-96 समथिंग कुछ है, जो आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, तो मर्करी थर्मोमीटर फ़ारेनहाइट में क्या है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। आपको बताया कि एटम जो होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम एटम की इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, ये उसके अंदर न्यूक्लियस, ये उसके शेल होते हैं, बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वह नेगेटिव। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो कि एटम का पार्टिकल है उसके ऊपर जो चार्ज है वह नेगेटिव है। थर्ड एमसीक्यू कहते हैं रिकेट्स। जी हाँ, ये आप डिजीज जब विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन उनकी डिफिशियंसी उनके साइंटिफिक नेम तब आप पढ़ेंगे। तो रिकेट जो है वो किस चीज की डिजीज है, बोन्स की है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपको चांसेस है कि रिकेट्स की बीमारी होगी, जिसमें आपके बोन्स वीक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करें तो उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, और एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर उनके इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। तो प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, अगर हम बात करें लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जैसे कुछ क्वांटिटीज होते हैं, अगर मास है तो हम उसे केजी वगैरह में मेजर करते हैं। ठीक है ना, और अगर टाइम होता तो उसको सेकंड वगैरह में मेजर करते हैं। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है, वहां से हम क्या चीज मेजर करते हैं, तो वो होगा डिस्टेंस। और लाइट ईयर उसे कहा जाता है कि पूरी वो लाइट जो पूरा साल ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं लाइट ईयर। ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि स्पेस के अंदर बहुत सारा डिस्टेंस होता है, तो उस बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वो गैलेक्सी स्पेस में मेजर करने के लिए जो चीज यूज होती है उसे कहते हैं लाइट ईयर, और ये डिस्टेंस का यूनिट है। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन के अंदर नो चार्ज होता है, या आपको एमसीक्यू में जवाब आएगा न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ना नो चार्ज या न्यूट्रल आपका सही ऑप्शन होगा। देखिए, अब एक ये कंडीशन है हाइपर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन होती है एक तो नॉर्मल होगा, दूसरा यह होगा कि या तो आपका ब्लड प्रेशर उससे या आपके हेरिडिटी की वजह से वो बढ़ जाता है ऑयल वगैरह की वजह से। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको मेडिकल में कहते हैं हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। ये आप देख लीजिएगा, तो हाइपर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं हाइपरटेंशन। सोलर सिस्टम जो है, अगर आप बात करें सोलर सिस्टम की, तो उसको किसने डिस्टर्ब किया। सोलर सिस्टम है जिसके अंदर सन है, मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो सोलर सिस्टम को किसने डिस्टर्ब किया, ये आपको नाम याद रखे, निकोलस कोपरनिकस। हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट से शुरू किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये वीडियो लेक्चर सीरीज बढ़ती जाएगी इसमें एडवांस भी एड होते जाएंगे।
अर्थ को भी सुपर रोटेशन, ये अर्थ के जो मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन जो वो गालबन एक दिन में करती है जिसकी वजह से डे और नाइट होता है, एक होते हैं रेवोल्यूशन जिसकी वजह से मौसम सीजन वगैरह होती है। तो अर्थ की रोटेशन को क्या कहते हैं, कितने में वो कवर करती है, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड, ये आप देख लें 23 आवर्स 56 मिनट 4.9 सेकंड। इस टाइम में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करती है जिसकी वजह से डे नाइट होता है और मौसम के लिए रेवोल्यूशन। ओजोन लेयर, आपको पता है कि सूरज से डेंजरस रेस भी आते हैं, वहां से प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह पाक ने ओजोन लेयर बनाया है। और वो जो लेयर जो रेस होते हैं उनको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस। तो सन से कौन से रेस आते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस होते हैं जो कि स्किन के लिए डेंजरस हो। अगर ओजोन लेयर ना होता या जिस तरह से आज क्लाइमेट चेंज की वजह से डिप्लीट हो रहा है, कमजोर हो जाए, तो उस वजह से आपको स्किन के प्रॉब्लम लाइक स्किन कैंसर होता है। ठीक है, ये आप जानते। अगर हम बात करें मुख्तलिफ, ये सारी चीजें अल्लाह पाक ने एलिमेंट से बनाई है। अगर हम जमीन के कस्ट की बात करें, जो ऊपरी लेयर होता है जमीन के, तीन लेयर होते हैं कस्ट मेंटल कोर, तो जो सबसे ऊपरी होता है उसको कहते हैं कस्ट। और अगर अर्थ में बात करें कि अर्थ के कस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट, वो है ऑक्सीजन। ये आप देख रहे हैं इसका जो सिंबल है वो बड़ा है O, और यही और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पानी के होते हैं। रेड ब्लड सेल को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। ये आपको बताना चाहिए कि रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और यहां पर व्हाइट ब्लड की आप मैं और बात बता दूं कि रेड ब्लड को एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड को ल्यूकोसाइट। आपकी डिजीज अगर कोई आपको अटैक कर दे, कोई जरासीम बैक्टीरिया, तो बॉडी को जो रेजिस्टेंस पाया करते हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि आपकी बॉडी को रेजिस्ट करने के लिए, फाइट करने के लिए कौन से सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। निमोनिया अगर आपसे पूछा जाए कि निमोनिया जो डिजीज है ये किस सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके बॉडी मुख्तलिफ सिस्टम्स की बनी है, पहले तो सेल होता है, वो बनके टिश्यू बनके आर्गन बनते हैं, आर्गन बनके एक सिस्टम बनता है जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चा पैदा करने का एक सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने का, वैसे ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसको सांस। तो नमूने जो अफेक्ट करती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं। सिल आपके मोबाइल में अभी भी मौजूद होगी जो आप यूज करते हो, सिल का जो फुल फॉर्म है ए से आता है सब्सक्राइबर, आई से आता है आइडेंटिटी, एन से आता है मॉड्यूल, तो उसका जो फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, 70 की बात करें, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राम बेल। टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया था, ये इनको ग्राम बेल ने इन्वेंट किया था। ये ओवरऑल मटेरियल जल्द जाके एक बुक फॉर्म में भी आएगा, लेकिन अभी इस पे काम जारी है। मोबाइल फोन को किसने इन्वेंट किया था, मार्टिन कूपर। या का टेलीफोन के लिए ग्राम बेल, उसके बाद मोबाइल फोन के लिए मार्टिन कूपर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, आपको पता है कि समुद्र में चीजें तैरती हैं, तो तैरने की बॉडी का जो लॉ है उसने क्या आर्किमिडीज, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ऐसा यूनिट, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि ये ऐसा यूनिट तब क्रिएट किया गया था जब हर कंट्री के अंदर चीजों को मेजर करने के लिए अपने अपने यूनिट थे। तो जब इंटरनेशनली कंट्रीज ट्रेड करती थी तो एक यूनिट ना होने की वजह से उनको ट्रेड करने में मसला हो रहा था, तो उन्होंने बैठ कर एक ही दुनिया के लिए, चाहे आपको केजी, चाहे आपको कोई मास मेयर को ना हो लेंथ टाइम, एक ऐसा यूनिट बना जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाए। तो अगर आपसे लेंथ का पूछा जाए तो वो मीटर है। थैंक यू सो मच, ये हमारा थर्ड वीडियो था, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी वीडियो आती जाए, फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ ये चलती जाएगी जब तक कि मुझे लगे कि आपकी अब अच्छे से तैयारी हो जाएगी। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारी अकेडमी भी है, मेटा अकेडमी लाल करा, आप चाहे तो विजिट करते हैं नियर जाफरी इमाम बाग का इन एस एम स्कूल सिस्टम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस पसीने को देख के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।